तेरे को बड़े फैशन आ रहे हैं आजकल, किसको दिखाता है जाके, मैम को या अपनी किसी फ्रेंड को? तू वहां जा, मैं इधर जाता हूँ, देखते हैं किसके पास आता है। ए, तो पहले ही मेरे पास आने लग गया। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद आप सब ठीक होगे। तो अभी आज है मंडे और टाइम सुबह के 11 बज चुके हैं गाइस, और मैं ना आज सुबह सुबह ही नहा धो के रेडी हो गया। एक्चुअल में ना मेरे को गंगानगर में जाना था कुछ काम, तो बस मैं सुबह उठा, चाय पीने से पहले ही नहा धो के रेडी हो गया। और जब रेडी होके आया हूँ अभी फ़ोन आ गया गंगानगर से कि जिस काम के लिए जा रहे थे वो कैंसिल हो गया, तो मेरा जाना भी कैंसिल हो गया। अभी तो ना आ रहा गया हुआ स्कूल, और मीनू मेरे लिए चाय बना रही है। अभी पहले चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद ना फिर आर्या का टिफिन देने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर उसका लंच दे के आएंगे उसको। तो गाइस फिलहाल मेरी चाय भी आ गई और ब्रेकफास्ट में परोंठे बना दिए मैंने, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और चाय पीते हैं। तो गाइस देखना, धूप अब भी ना खुल के नहीं निकल रही है, और धुएं के कारण ना धूप खुल के नहीं निकल रही है। आज फिर भी ठीक है, ये देखो आज तो फिर भी ठीक है, पर वैसे खुल के नहीं निकल रही है धूप। तो गाइस आर्या का न्यू टिफिन तैयार है, लंच पैक कर दिया मीनू ने, बस अब देने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान से टेढ़ा मत कर। तो गाइस आर्या का टिफिन दे दिया, अभी घर चलते हैं। तो गाइस फिलहाल आर्या का टिफिन दे आया मैं, और आर्या ना आगे रेडी खड़ा था, रिसेस हो गई होगी ना उनकी, बेचारा वेट करे जा रहा था टिफिन का, मेरे गेट पे पहुंचने से पहले ही आ गया, उसने देख लिया होगा पीछे से। 2 hours later आ गया। आहा, नई बोतल, नया टिफिन, तो मेरे को पकड़ा दे टिफिन, ले आएगा क्या? क्या हो गया? दही खोलने लगा, पूरी दही गिर गई। ओए फिर टेढ़ा क्यों कर रहा है उसको, देखना खुला लेता किसी से बाबू डब्बी को, यार देखना क्या हाल करा है, दही वाला सारा दही दही कर दिया इसने। जब मान ले तेरे से नहीं खुलती ना, तो मैम को बोल दे या भाई को बोल दे, जो वहाँ भाई जी है ना वहाँ, उनको बोल दिया करके भाई जी मेरे को खोल दो। तो बस ये अभी अभी स्कूल से आया है, अब बस थोड़ी देर बैठेगा फिर जाएगा अपना ट्यूशन पे। ये क्या, ये क्या है, छोड़ उसको छोड़, देखो ना ठंडे पानी से सिर धो रहे हैं, लो बोलो पीछे पीछे चल, ऐसे नहीं गीले करते बाल बाबू, ठंडे पानी के नीचे तूने सिर डाल दिया जाके, तेरे को बाल गीले करने हैं वो फुहारा मार ले थोड़ा सा बालों पे। अरे यार मैंने वैसे क्यों मारे थे यार, तू नल के नीचे जाके सिर कर रहा है ठंड का मौसम है, बीमार हो गया तो उल्टे काम करता सारे। नहीं मेरी बात सुन, तेरे को बड़े फैशन आ रहे हैं आजकल, क्या बात है, किसको दिखाता है फैशन जाके? हाँ तू बालों का कह रहा है, 3 बार तूने बोल दिया मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे बाल वैसे हो गए। किसको दिखाता है जाके, मैम को, अपना भूत को या अपनी किसी फ्रेंड को, बता। 4 बजे अभी तो 4:30 जाना बाबू, 5 बजे का टाइम है, 4:30 जा। चल वो गग्गू जा रहा है भैया, उसके साथ चला जा, बाकी हो जा साथ। तो गाइस फिलहाल आ रहा है तो गया ट्यूशन, और आ रहा से बात करते करते मेरे दिमाग में आई एक बात, अब एसी तो चलने बंद हो गए, एसी तो अब चलाते नहीं है कई दिन हो गए, तो ऐसे ना मिट्टी मिट्टी हो रहे हैं ना, अब एसी के ऊपर ना कवर चढ़ा देते हैं, जो इसके साथ आया ना पॉलीथीन वाला कवर वही चढ़ा देते हैं। तो गाइस देखना ये ना मिट्टी मिट्टी हो रहा है ना, इसके ऊपर मक्खियाँ बैठ के ना दाग पड़े जा रहे हैं, तो इसको ना अच्छे से कवर कर देते हैं। लो मैं दोनों ही चक लिया, मैं वो तो पीड़ी सी ना था, मैंने पता नहीं लग गया मैं। तो गाइस घोड़ी ले आया मैं, अब चढ़ाते हैं इसका कवर। तो गाइस इस पे तो कवर चढ़ा दिया मैंने, बस ये है कि इसके अंदर मिट्टी नहीं जाएगी, धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं जाएगी। अब ये भी पड़ा है आउटडोर वाला, मैं सोचता हूँ कि आउटडोर पर भी लगा हूँ जाके। तो गाइस इसका कवर लगा तो दिया मैंने ये पॉलीथीन वाला, पर इसमें ये देखो छेद तो है ही, पर इससे क्या है कि कुछ तो मिट्टी रुकेगी। तो गाइस फिलहाल ये काम हो गया ना, ये ना रोज़ रात को मेरे को एसी देख के याद आता है, और फिर सोचता हूँ कि सुबह करूँगा, सुबह फिर भूल जाता हूँ, अभी याद आया मेरे को, तो पहले मैंने ये काम कर दिया। हाँ जी ट्यूशन गया हुआ, वो तो आया नहीं अभी।
तो ये हमारा पड़ोसी है आर्या का फ्रेंड, जो खेलते हैं रात को सारे इकट्ठे। क्या क्या हो गया? कहाँ है छिपकली? साइड में देखो अपने। तो छिपकली है तो तेरे को क्या कहती है? ले बोल ना। रोकी को लेके आना, मैं बता दूँ। बस आते ही रोकी को लेके आना है। लेने चला। कोई आया है कि आके? रोकी को लेने चला। कोई सांस ले ले आके, कोई पानी पी ले। देखना। पागल हो गया। तो गाइस मीनू का सिर दर्द हो रहा है। तो ये लेटी हुई है। तो अभी पीछे पड़ा ही रहेगा जब तक लेके नहीं आएगा ना, तो इसको ला देते हैं रोकी को। ए रकी, देखना 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 देखना, देखना। सुसु करेगा ये, देखना चिड़गू सा टांग और उठा लेता है। आ रहा, रुक जा, मम्मा बुला रही है, देखते हैं जाता कि नहीं मम्मा पास। ला हूं बुलाई, मेरी बात सुन, इसको यहीं खड़ा रहने दे, तू वहां जा, मैं इधर जाता हूँ, देखते हैं किसके पास आता है। ए, तो पहले ही मेरे पास आने लग गया। खिलाता आ रहा है, सारा दिन आता हमारे पास है ना, चक्कर आ जाएंगे इसको। नहीं अब तू इनके साथ खेलता है तो ये रोकी, ये बेचारा गेट पे खड़ा रहेगा। और देखना मम्मी से शिकायत कर रहा है कि आ रहा मेरे को छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अरे अबे को गए को कितने दिन हो गए? 4 दिन, 3 दिन हो गए। तो बाइक पे नहीं चढ़ा, इसको बाइक पे झूला दिला के लाए। तो गाइस एक्चुअल में ना अबे को गए को ना 4-5 दिन हो गए, तो ये बेचारा ना रोज भी उसके साथ बाइक पे जाता था, और अब इसको घुमाने वाला भी कोई नहीं है, बस यही शाम को घुमा लिया जो घुमा लिया इसको आ रहा ने। तो अभी मेरे मन में ये आ रहा है कि कई दिन से उसने झूला नहीं लिया बाइक का, तो उसको बाइक का झूला दिला देते हैं ना, ऐसे मार्केट का चक्कर कटवा लाते हैं, तो उससे क्या है कि उसका भी मन रह जाएगा। रुक जा आप देखते हैं, अगर इसने बाइक पे चढ़ने को करा फिर तो इसको झूला दिला लेंगे, नहीं तो फिर इसको घर छोड़ आते हैं। हाँ देखना देखना देखना, आज पीछे बैठेगा ये। चलूंगा बाइक पे, चलेगा, चलना है, चला आ जा आ जा। तो गाइस अभी ना मेन मार्केट में लेके आए हैं रोकी को, और ये देखो मश है, आराम से बैठा है चौड़ा होके और मजे लिए जा रहा है, इधर उधर देखे जा रहा है। चल आ जा इसको छोड़ के। तो गाइस इसको बाइक पे घुमा लाए, इसका शौक पूरा हो गया, अब ना इसको घर छोड़ाते हैं। तो गाइस फिलहाल रोकी को ना मार्केट का पूरा मेन मार्केट का चक्कर कटवा के लाए, अभी बस उसको आते ही ना सीधा घर ही छोड़ाए। क्या चिड़िया मरगी? ये देखो। अरे ये ऊपर से मरी हुई गिरी है लगता है मेरे को। हाँ। नहीं नीचे वो मुझे लगा कि जैसे बाइक वो चढ़ा दी हुई है। बाइक चढ़ी होती तो इसका कचूमर निकल जाता। वो देखो वो पीछे उसके लगा हुआ है कुछ खून वून है तो सही। अब इसको कोई कुत्ता उठा के ले जाएगा यार, पता नहीं इसको क्या हो गया, मरगी बेचारी, आंती बार आ रखी है इसकी। ए चल लाप ऊपर मिट्टी डाल दो इसको, वो रही वो कोने में वो दे, वो रही मिट्टी डाल दी। तो गाइस देखना वो बेचारी चिड़िया ना ऊपर सो रही होगी और नीचे गिर गई, मरी पता नहीं कैसे, उसके ऊपर से कोई बाइक तो निकली नहीं और मरी पता नहीं कैसे। और कैसे अक्षर वो जो गर्मी नहीं है वो ना पत्थर मार रहे थे ऊपर बेरी पे, पत्थर मार रहे थे वो। हाँ वो नीचे उसके पत्थर ही लगा हुआ था। तो देखना आप भी बता रहा है ये कि वो अक्षर घर पत्थर मार रहे थे, तो इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा ना कि बिल्कुल नीचे नीचे दिख रही होती हैं चिड़िया ना, और इन्होंने पत्थर मारा होगा नीचे से और वो नीचे ही लगा पत्थर उसके जाके, और वो बेचारी नीचे गिर गई, और फिर ना उसको दफनाया इसीलिए क्योंकि ना कोई कुत्ता बिल्ली ना उसको खा दे ऐसे। अभी तो फिलहाल ना अंदर आके बैठे हैं, बाहर तो गाइस धुआं, विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम होती जा रही है। ये तो अभी धुआं है, ऐसे लग रहा है जैसे धुंध हो, बाहर धुआं
धुआं देखो किन्ना होया पा बाहर, दिखता ही नहीं गा, जलन होती है अखा च। तो गाइज एक्चुअल में ना ये जो बाहर धुआं है ना, इससे ना आंखों में इतनी जलन होती है ना कि सिर दर्द होने लग जाता। अब मेरा ना हल्का हल्का सिर दर्द होने लग गया। अब जब तक बारिश नहीं आएगी ना ये धुआं नहीं छटेगा, ऐसी जलन होती रहेगी। तो अब देखते हैं कि ये कब छटता है। फिलहाल तो ना अभी आंखों में दवाई डाली है तो जाके थोड़ी आंखों को ना सांस मिली है। अभी तो डिनर आ गया। डिनर में दाल रोटी और ग्रीन सैलेड। तो गाइज अभी तो खैर डिनर करते हैं और इस ब्लॉग का करता हूँ एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं गाइज आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।